जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम, राम भक्त हनुमान की। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ रमेश? रेडिएटर बहुत गर्म हो गया है, हमें पानी चाहिए। तो पानी डालने से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। जल्दी आना। संभाल कर सर। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है। भाई साहब, यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा क्या? तुम हो? तुम वही हो ना? हे, तुम वही आदमी हो ना जिसने अंजना के बदले में मुझे पैसे दिए थे? तुम्हें जरूर पता होगा कि वो दुष्ट कहाँ है। बताओ, बताओ मुझे, जल्दी बताओ कहाँ है वो, जल्दी बताओ वो दुष्ट कहाँ है। तुम क्या बात कर रहे हो? बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं। अभी तक आया क्यों नहीं? हम जाकर देख लें। चलो चलते हैं। बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। बता दो कहाँ है वो, कहाँ पर है? तुम कहोगे तो जो पैसे तुमने दिए थे उसका दुगना वापस कर दूंगा। बताओ, बताओ कि कहाँ है वो, बताओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बच्ची को बचाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बताओ वो दुष्ट कहाँ है, बता दो मुझे। रुको रुको, बच्ची? कौन सी बच्ची, क्या हुआ है भाई? बताता हूँ, बताता हूँ। तो ऐसे ही हुआ ये सब। देखो एक बात तो साफ है, अंजना की इस हालत के लिए तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। एक छोटी सी बच्ची
उसका दुष्ट शक्ति के हाथों बलिदान होने वाला है। तुम लोगों को उसकी जगह का तो पता है ना, हम पहले जाकर बच्ची को बचा लाएंगे। ठीक है। लक्ष्मी, हमारी अंजना रोज जंगल में जाकर पूजा करके आने की बात करती थी, याद है ना? सही कह रहे हैं, मुझसे कई बार कहा था उसने, पर मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। जहां तक मुझे याद है कि मैं उस मंदिर को जानता हूं। क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं? हाँ लक्ष्मी, अज्ञानता की वजह से मैंने जो घोर अपराध किया था वो उसी मंदिर में किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उस मंदिर में जाएंगे तो हमें बच्ची को बचाने का मार्ग मिलेगा। हमें तुरंत निकलना होगा लक्ष्मी। इस तरफ जाना है। वहां पर अरे अंजना, बेटा अंजना, क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ है बेटा? देखो, हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, बच्ची को लेके जल्दी से निकलना होगा। कम ऑन क्विक, फास्ट, जल्दी।
तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरी इजाजत के बिना मेरे स्थान में घुसकर शूद्र देवता को बलि देने के लिए तैयार की हुई इस बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश की। अब देखो, हमें मूर्तियां हासिल करने का रास्ता मिल गया है। ये एक छोटी सी बच्ची है, इसे जाने दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देंगे हम, प्लीज। आज पूर्णिमा की रात्रि मैं सर्वशक्तिमान बनने वाला हूँ, और मुझे तुम लोग क्या दे सकते हो? तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी है तो इस बच्ची को छोड़कर चले जाओ, चले जाओ। हम बच्ची को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। पागलों जैसी बातें मत करो। साइंस इतना डेवलप हो गया है और तुम अब भी नरबलि देकर अतीत की शक्तियों को हासिल करना चाहते हो? एकदम मूर्ख हो तुम। अगर ये सच है तो मुझे ये बताओ, मैं कौन हूँ? मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। देखना चाहते हो? देख लो। मैंने कहा था ना बच्ची को छोड़कर चले जाओ, अब तुम लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय। अरे बाप रे, बाप रे। मेरा कार्य सफल होने तक
तुम लोगों को यहाँ बंदी बनकर रहना होगा। तुम्हारी आंखों के सामने आज रात को इस बच्ची की बलि दूंगा मैं। अगर तुम लोग इस बच्ची को बचा सकते हो तो बचा लो।